Let's get down to business. What are you talking about? Sex. That's why we're here, isn't it? तो शायद तुम लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। इस चैनल पे मैं तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कतई हॉट गेम्स को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। और आज बारी है विचर की, क्योंकि सिर्फ हेनरी कैविल की वजह से तुम लोग शो तो देखोगे नहीं, पर हेनरी के फेवरेट गेम के बारे में तो जरूर जानना चाहोगे। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा विचर 1। और अगर व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स अच्छे खासे आ गए तो गेम के सेकंड और थर्ड पार्ट पे भी जल्दी वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि देखो अब सबके पापा तो अमीर होते नहीं ना कि खुद गेम खेल के स्टोरी जान लो। तो स्वागत है मेरे और हेनरी के फेवरेट्स में से एक दुनिया में, विचर की दुनिया में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। Come back. Triss. Yes. Well. Ladies did quite a number on you. तो शुरुआत होती है जब गेराल्ट ऑफ रिविया उसके दोस्तों को कारा मोरिन के बाहर गिरा हुआ मिलता है, और होश में आने पे पता चलता है कि गेराल्ट को अपने पास्ट से कुछ याद नहीं। वो कौन था, कौन है, सब खत्म। वो एक विचर है जिसे एल्केमी और काले जादू से म्यूटेट किया गया है ताकि वो पावरफुल मॉन्स्टर हंटर बन सके। और कारा मोरिन वो जगह है जहां वो जिंदगी भर ट्रेन हुआ है, पर वो घायल था जहां उसे हील कर रहे थे उसके दोस्त और सॉर्सरर ट्रिस मेरीगोल्ड। और अपने बारे में दूसरों से जानने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, पर जल्द ही सालमेंड्रा ग्रुप और उसका लीडर जो एक मेज यानी खतरनाक जादूगर था वो वहाँ अटैक कर देता है। ट्रिस और विचर उनसे जीत तो जाते हैं, पर वो मेज जादुई पोशंस को चुरा ले जाते हैं ताकि वो खुद के विचर बना सकें। और वहीं से सारे विचर अपने माल को वापस लाने निकल जाते हैं। गेराल्ट बेजिमा शहर की ओर जाता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था, तो उसे पता चलता है कि उसे शहर में एंट्री करने के लिए कॉइन चाहिए होंगे, और इसीलिए वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगता है, उनकी मदद करना, किसी मॉन्स्टर को मारना ताकि वो कॉइन्स कमा सके। और जब ये सब करके वो शहर के अंदर जाता है तो रॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, पर गेराल्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, यानी उनके शहर के नालों में जो मॉन्स्टर था उससे उन्हें छुटकारा दिला देता है। तो वो उसे जाने देते हैं और वो फिर शहर में अपनी खोज में लग जाता है। और यही हमें इस सीरीज के एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी ऑर्डर ऑफ द फ्लेमिंग रोज के बारे में पता चलता है। इस ग्रुप का काम आम लोगों को डिपेंड करना था और इटर्नल फायर का मैसेज सबको देना था। और अगर नेक्स्ट एपिसोड नहीं आते इस सीरीज के तो जल्दी से बता देता हूँ कि ये है क्या। तो इटर्नल फायर एक रिलीजियस कल्ट है जो किसी भी दूसरे धार्मिक कल्ट की तरह है, अंधा और बेबुनियाद, लेकिन इसके विचर यूनिवर्स में बहुत फॉलोअर्स हैं। ज्यादातर नॉर्थ के जो किंगडम हैं उनमें इसे नोविगार्ड में पहली बार बनाया गया था, और तब से अगर तुम कभी विचर का कोई भी गेम खेलो, ये कॉमिक्स और बुक्स में भी है, पर अगर जैसे विचर 4 आएगा और तुम डायरेक्टली उसे खेलोगे तो इसके पुजारी तुम्हें हर सिटी में, हर गांव में मिल जाएंगे, लोगों को फंसाते हुए। कई शहर तो उनके रूल के नीचे ही काम करती हैं, और ऐसे कई रिलीजन है इस यूनिवर्स में, पर इटर्नल फायर का मेन रीजन है एग्जिस्ट करने का कि जो नॉन ह्यूमंस हैं, विचर्स हैं, इवन अगला विचर, इन सबको ये खतरा मानते हैं और इनके खिलाफ हैं। अब वैसे तो गेराल्ट न्यूट्रल बंदा है विचर होने के नाते, पर वो भी इन्हें पसंद नहीं करता। तो अब वापस आते हैं अपनी कहानी पे, बस ये चीजें याद रखना, अगर पार्ट 2 और 3 आएगा तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। पर तभी यहाँ विचर की खोज में उसका सामना एक और मेज से होता है जिसका नाम था अजर जावेद, और वो गेराल्ट को हरा के बेहोश कर देता है, पर ट्रिस वहाँ आके उसे टेलीपोर्ट कर देती है। और वहीं गेराल्ट मिलता है प्रिंसेस एडा से, एक और लड़की जिसे गेराल्ट ने एक श्राप से आजाद किया था, पर उसे अभी कुछ याद नहीं। और इसी तरह गेराल्ट अपने पास्ट के बारे में और जानता जाता, और सालमेंड्रा के जो दूसरे ग्रुप्स थे उन्हें भी तबाह करता हुआ आगे बढ़ता जाता, और फाइनली उसे उसका असली ठिकाना मिल ही जाता है, और बिना कुछ सोचे वो उस पे अटैक कर देता है। वो उनके सबसे मास्टर असैसिन को मार देता है, पर तभी वहां आ जाते हैं रॉयल गार्ड्स जो उसे रोक लेते हैं। उनके साथ वहाँ थी प्रिंसेस एडा, क्योंकि विचर को अपनी जर्नी में पता चल गया था कि प्रिंसेस एडा अपने बाप के बाहर जाने का फायदा उठाते हुए किंगडम में हेरा फेरी कर रही थी, और वो बोलती है कि विचर को मार दो इससे पहले कि वो मेरे बाप को कुछ बताए। और फिर से अपने गेराल्ट को बचाती है ट्रेस अपने टेलीपोर्ट वाले मैजिक से,
इस बार दूर गांव में विचर अपने पुराने दोस्त बार्ड से मिलता है, जिसका नाम डेंडेलियन था। बार्ड असल में वही था जो शहर शहर गांव गांव में गाने के जरिए गेराल्ट की कहानियां लोगों को सुनाता था। शो में इसका नाम अलग था, गेम में अलग, और दोनों मिलके बस कॉइंस कमाते, और वहां का काम होने पर दोनों वापस बिजिमा शहर की ओर आ जाते। क्योंकि किंग अब वापस आ गए थे तो प्रिंसेस कुछ नहीं कर सकती थी, पर वहां एक और वार चल रही थी ऑर्डर यानी इटर्नल फ्लेम की स्कोई टेल यानी नॉन ह्यूमन से। और कई ऊपर नीचे कांड होने के बाद फाइनली वो वार शांत होती है, तो गेराल्ट अपने दोस्तों के साथ सैलमेंड्रा पर अटैक करने को फिर से तैयार होता है। पर यहीं पे एक और ट्विस्ट आता है, ये पोशन चुराने वाले म्यूटेंट ग्रुप का लीडर और कोई नहीं इटर्नल फ्लेम्स ऑर्डर का ग्रैंड मास्टर है। तो शहर का किंग पॉल टेस्ट गेराल्ट को अपने पैसों से हायर करता है ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए। पर जब वो ग्रैंड मास्टर की तरफ जाता है तो ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि उसे ये म्यूटेंट आर्मी चाहिए क्योंकि एपोकलिप्स आने वाली है और ये पूरी इंसानियत को खत्म कर देगी अगर उसने इसे रोका नहीं तो। और फिर गेराल्ट एक इल्यूजन में कैद हो जाता है जिससे उसे अपने चारों तरफ बस बर्फीली दुनिया दिखती है, जैसा कि ग्रैंड मास्टर ने बोला था एपोकलिप्स करेगी। पर अपने आप से फाइट करते हुए गेराल्ट ग्रैंड मास्टर को हरा देता है और उसकी मौत पे किंग की आत्मा वहां आती है। वाइल्ड हंट ग्रुप का लीडर वो ग्रैंड मास्टर की आत्मा को साथ लेता है और गेराल्ट को आने वाली एपोकलिप्स की चेतावनी भी देता है। गेराल्ट अपना मिशन करके किंग फॉल्टेस्ट के पास जाता है अपना पैसा कलेक्ट करने, पर जैसे ही गेराल्ट पैसा लेके निकल रहा होता है वो देखता है कि खून में नहाए हुए गार्ड्स की बॉडी। वो अपनी तलवार निकालता है और राजगद्दी की तरफ भागता है। जैसे ही वहाँ एक असैसिन किंग को मारने वाला होता है दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। और गेराल्ट की हार पक्की थी, पर वो अपना कॉइन का बैग पैक के असैसिन का ध्यान भटकाता है और उसका हाथ काट देता है, और अगले वारों में वो उसे मार भी देता है। पर फॉल्टेस्ट और गेराल्ट जैसे ही उसका मास्क हटाते हैं, किलर एक विचर है गेराल्ट की ही तरह। तो यहीं पे गेराल्ट की कहानी खत्म होती है, पर याद रखना वाइल्ड हंट आगे इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे और हम सबकी फेवरेट यानी पर भी विचर 2 में आती है। तो अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस पे अच्छे खासे व्यूज और लाइक्स और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट गेम्स बड़े हैं तो वो टाइम भी बहुत ज्यादा लेंगे मेरा। गेमिंग वीडियोस अब तक तो उतने चले नहीं, शायद ये वाला चल जाए तो देखते हैं कि क्या होगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। यू स्मेल वंडरफुल गेराल्ट, वी आर एट अ फ्यूनरल। यू स्मेल वंडरफुल एट दिस फ्यूनरल। आई वांट अ सॉलिटरी कॉटेज बाय द सी। I want to lock myself inside with you. Stay there for a week. What would we do there for a week? Got so many ideas. The one with the rope you use for trophies. That one seems interesting. What's more, I like what I see.